नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार द्वारा चलाई गई ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत हमें अपना पक्का मकान बनाने के लिए सब्सिडी द्वारा हेल्प मिलती है। तो इस योजना के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस फोटो में देखिए कौन कौन से वर्ग के लोगों को कितनी सब्सिडी मिल सकती है, यह इस फोटो में दिखाया गया है। तो इसमें चार वर्ग दिए गए हैं। अगर आप लोग होम लोन कर रहे हैं और इन चारों वर्ग में से किसी भी एक वर्ग में आते हैं तो आपको सब्सिडी ज़रूर मिलेगी दोस्तों। तो ये देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले गूगल में टाइप करिए PMAY और उसे सर्च कर दीजिए। तो दोस्तों, आप देख इससे इस स्कीम द्वारा अपने होम लोन में सब्सिडी ले सकते हैं, और आप उन चारों वर्ग में से किसी एक वर्ग में हैं तो आपको सब्सिडी ज़रूर मिलेगी। ऑनलाइन फॉर्म देखिए दोस्तों कैसे भरना, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपने PMAY डालकर यहाँ पर गूगल पर सर्च करा तो ऐसा खुलेगा। सबसे पहले देखिए PMAY MIS.gov.in करके साइट खुली है, तो यहाँ पर अर्बन करके दिखा रहा है उस पर, देखिए उसको आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर जो ओरिजिनल साइट है वो इस प्रकार से दिखेगी। देखिए जैसा आपके स्क्रीन में दिखेगा अभी, तो वही ओरिजिनल साइट होगी। आप ओरिजिनल साइट में जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं जिसके बाद आप सब्सिडी आपको मिलेगी। तो ये देखिए जो यह ओरिजिनल साइट है दोस्तों, ये इस प्रकार से खुलेगी। इसमें 1 करोड़ एंड मोर करके होम का दिखाएगा कि इतने पक्के होम अभी तक बना दिए हैं सरकार ने। तो इसमें आपको क्या करना है, सिटीजन असेसमेंट वाले में जाके बेनिफिट अंडर अदर 3 कंपोनेंट इस पे जाना है आपको। तो ऐसा कुछ खुलेगा जिसमें कि आपको अपना आधार नंबर या कोई वर्चुअल आईडी डालनी पड़ेगी और अपना नाम डालना पड़ेगा। अगर वैसे तो ज़्यादातर सभी के पास आधार है तो आप आधार का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद अपना आधार के अनुसार नाम डालेंगे और यहाँ पर फिर नीचे देखिए यह हर्बली वाला दिया गया है, इस पर क्लिक करके चेक के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो जब आप चेक के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो एक फॉर्म खुलेगा दोस्तों आपके सामने। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए कैसा फॉर्म खुलेगा और आपको कैसे भरना है। ऐसा फॉर्म खुलेगा दोस्तों जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे स्टेट, राज्य का नाम आपको डालना है। तो कोई अपना जो भी स्टेट है आपका उसको आप डाल देंगे। उसके बाद बगल में देखेंगे डिस्ट्रिक्ट नेम, जिले का नाम है उसको आपको क्लिक करके वहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम भी डाल देंगे। फिर आपका सिटी नेम, तो आपका सिटी नेम आ जाएगा दोस्तों, उसको सेलेक्ट करके डाल देंगे। फिर उसके नीचे आ रहा है क्या आप योजना क्षेत्र का विकास क्षेत्र से हैं, तो आप डेवलपमेंट अगर एरिया से हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये आ रहा है योजना क्षेत्र या विकास क्षेत्र, तो वो तभी खुलेगा जब आप यस या नो में कर देंगे। नो करेंगे तो नहीं खुलेगा, यस के लिए खुलता है वो। उसके बाद बगल में ऑप्शन दिया है मिशन के घटक की प्राथमिकता, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी के तहत लाभार्थी को सहायता की आवश्यकता है। तो इस वाले कंपोनेंट में दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है कि आपको लोन मतलब किसके ऊपर लेना है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी लेनी है, अफोर्डेबल हाउसिंग इन सब पार्टनरशिप लेना है या बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन लेना है। तो अगर आपको अपने लोन में यहाँ पर सब्सिडी चाहिए तो आपको क्रेडिट लिंक सब्सिडी पे क्लिक करना होगा दोस्तों। बाकी जो दो हैं वो या तो पार्टनरशिप में हाउसिंग बनाने के लिए हैं या फिर बेनिफिशियरी कंस्ट्रक्शन वालों के लिए हैं। और उसके बाद जैसा आपने आधार कार्ड डाला होगा उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, मुखिया का नाम जैसे यहाँ पर दिखा रहा है नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिली, तो वह उसी का आधार कार्ड भी डालना है आपको जो हेड है। तो वहाँ पर बगल में फिर लिंक आ जाएगा उसका, तो जेंडर जो भी है मेल फीमेल वो आप डाल देंगे। फिर उसके नीचे पिता का नाम आ रहा है तो वहाँ पर पिता का नाम आप भरेंगे। फिर उसके बगल में आ रहा है परिवार के मुखिया की आयु, तो जो आपका हेड है फैमिली का जिसका आधार कार्ड लगाया है उसकी आयु आप डाल देंगे। फिर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर मकान या फिर आपका पहले ये वर्तमान एड्रेस पूछा है, तो आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का एड्रेस डालेंगे दोस्तों, जो भी आपका एड्रेस है, शहर का नाम, राज्य का नाम, जिले का नाम और मोबाइल नंबर अपना डाल देंगे। तो वही अगर आपका परमानेंट एड्रेस है, बगल में देखिए परमानेंट एड्रेस लिखा है, अगर सेम है तो सेम में क्लिक करेंगे, और अगर सेम नहीं है, परमानेंट एड्रेस आपका अलग है, आप कहीं रेंट में रहते हैं, तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस अपने घर का एड्रेस डालेंगे। तो इसमें भी राज्य का नाम और ये सब आ जाएगा, सारी चीज़ जिला वगैरह
तो अगर उसके नीचे आप आते हैं तो मौजूदा मकान का मालिकाना ब्यौरा देना है आपने, तो आप जहां भी रहते हैं वहां का देना है। अगर आप रेंट पर रहते हैं तो रेंट लिखिए, इस प्रकार से डालेंगे। और उसमें रसोई घर को छोड़कर कितने कमरे हैं, मतलब उसमें उसकी संख्या डाल देंगे आप। और इस तरफ अगर राइट हैंड साइड आएंगे तो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस दिया है, तो वैवाहिक स्थिति क्या है आपकी, मैरिड है अनमैरिड है, वो आपको डालना होगा। और यहाँ पर उसी के नीचे देखिए ऐसे छत का आधार क्या है, ये सब डाल के, और नीचे अदर आईडी जो है वो भी डाल देंगे आप। अदर आईडी में जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर राशन कार्ड या कुछ ऐसा डाल सकते हैं, राशन कार्ड नंबर उसके बाद बगल में भरना पड़ेगा। फिर अपने फैमिली मेम्बर के बारे में आप डालेंगे, जो भी आपका फैमिली मेम्बर है, तो वाइफ है तो वाइफ, या फादर है या कुछ जो भी हैं, वो सबको आप ऐसे ऐड कर लेंगे। तो उनका नाम, आधार कार्ड आईडी और कोई अन्य आईडी है तो वो भी डालने के बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में ऐड का ऑप्शन आ रहा है साइड में किनारे से, तो वहाँ पर ऐड ज़रूर पहले क्लिक कर देना दोस्तों, तभी वह नाम ऐड होगा। तो जितने सदस्य हैं ऐसे ही करते हुए नाम डाल के ऐड करते रहिए आप। उसके बाद नीचे आएंगे तो रिलीजन दिया है, तो वो जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, तो उस हिसाब से अपना छांट सकते हैं। फिर बगल में देखिए जाति कास्ट दी हुई है, तो अपनी कास्ट भी या जनरल एसटी एसटी ओबीसी जो भी है वो छांट लेंगे। फिर अपने बैंक का नाम देना है दोस्तों, जहां भी आपका अकाउंट है बैंक का वो आपने डालना है। उसके नीचे आपने सिटी सेलेक्ट करनी है, तो आपका बैंक जो भी सिटी में है वो आप यहां पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड अगर जाते हैं तो यहां पर सेलेक्ट बैंक स्टेट कह रहा है, तो स्टेट छांट लेंगे और फिर वहाँ पर सिटी तब उसके बाद खुलेगी। फिर यहाँ पर ब्रांच का नाम आ जाता है यहाँ पर बगल में, वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। फिर अपना अकाउंट नंबर डालना है वहाँ पर, और अकाउंट नंबर को यहाँ पर राइट हैंड साइड में कंफर्म भी करना है। फिर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं, शहर में रहने की वार्षिक संख्या डालनी है यहाँ पर, तो जितने भी साल आपको रहते हुए हो गए हैं वहाँ पर वो डाल दीजिए। और यहाँ पर कितना आपका ये मौजूदा कारपेट क्षेत्र है वर्ग में, क्षेत्र वर्ग वो आपने डालना है यहाँ पर, जिसमें आप मकान बनाएंगे। तो और उसके बाद क्या है, अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके नीचे आते हैं तो क्या भारत में कहीं पर भी आपका पक्का मकान है, यस नो, उन दोनों में से भर देना है। उसके बाद रोज़गार की स्थिति भरनी है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट कुछ भी करते हैं वो आपने भर देना है, ऑक्यूपेशन उसके बगल में दिया हुआ है। फिर उसके नीचे आ जाएंगे परिवार की औसत मासिक आय, तो मासिक आय कितनी है आपके पूरे परिवार की टोटल, वह आपने डालनी है यहाँ पर। तो क्या परिवार के पास बीपीएल कार्ड है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, और है तो बीपीएल कार्ड नंबर देंगे बगल में। उसके नीचे परिवार के आवास आवश्यकता क्या है, तो अगर तो आपको नया हाउस बनाना तो न्यू हाउस करके आप डाल देंगे दोस्तों। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये दिया है जो रेड से लिखा हुआ है कि मैंने अपनी जानकारी जो भी दी है तो पूर्ण रूप से सही है, ऐसा करके ये रहता है, एक आपको क्या कहते हैं स्वयं घोषणा टाइप की रहती है, उसको क्लिक कर देना है दोस्तों। तो उसको क्लिक कर देंगे तो फिर नीचे लास्ट में ऐसा एक कैप्चा बना आएगा, तो वह कैप्चा एंटर कर देना है आपको यहाँ पर, और कैप्चा एंटर करने के बाद उसको सेव सुरक्षित वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव और सुरक्षा वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और एक एप्लीकेशन नंबर टाइप का दिखाएगा आपका, उसको भी आप अपने पास लिख के रख सकते हैं। तो ये होने के बाद आपका फॉर्म जमा हो जाएगा दोस्तों। तो फॉर्म जमा होने के बाद क्या होता है कि आपके म्यूनसिपल जो ऑफिस है, मतलब म्यूनसिपल यहाँ पर जो भी ऑफिस है आप लोगों का परमानेंट एड्रेस वाला, तो वहाँ ये फॉर्म जाता है दोस्तों। वहाँ से म्यूनसिपल ऑफिस से कुछ लोग आपके घर जाकर पता करते हैं कि आपको, मतलब सर्वे टाइप का एक लेते हैं, और उनको जब सब चीज़ सही लगती है तो वो आपका फॉर्म आगे बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों देखिए ये यहाँ पर एक नोट लिखा है, फॉर इनकम ग्रुप ग्रेटर देन 50,000 पीएम कैन नॉट अप्लाई ऑनलाइन। तो जो ऑनलाइन देखिए दोस्तों, जो वही लोग कर सकते हैं जिनकी 50,000 पर मंथ से कम यहाँ पर सैलरी है। अगर इससे ज़्यादा है आपकी सैलरी तो आपको यहाँ पर ये बोला है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट बैंक डायरेक्टली टू अप्लाई CLSS। दोस्तों इस साइड में आप अपनी सब्सिडी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बगल में जैसा कि आप देख रहे थे ऑप्शन वहाँ पर आया है सब्सिडी कैलकुलेटर, उसमें मैंने क्लिक करा तो कुछ ऐसा खुला है। अब इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि एनुअल फैमिली इनकम करके दिखा रहा है, तो आपकी फैमिली इनकम एनुअली कितनी है वो आपने डालना है यहाँ पर। और फिर उसके नीचे है लोन अमाउंट, तो आपका अमाउंट लोन जितना है वो आप डाल देंगे,
तो एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, जैसे देखिए मैंने डाला सैलरी हमारी एनुअल रखते हैं इसको 5 लाख के आसपास रखते हैं दोस्तों, तो मैंने रखी है 5,87,000 रुपये एनुअल इनकम रखी है। अब लोन अमाउंट का देखिए दोस्तों, लोन अमाउंट लेना है 15 लाख, तो वो डला हुआ है। उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कितने मंथ के लिए आपको लोन लेना है, तो यहाँ पर 240 पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो ये मैक्सिमम है। अब आप इसको कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। और उसके नीचे लिखा है इस दिस योर फर्स्ट पक्का हाउस, अगर पहला पक्का हाउस है आपका तो यस करें, नहीं तो नो करें। इस वुमन ओनरशिप प्रेजेंट इन द प्रॉपर्टी अंडर कंसिडरेशन, तो क्या वुमन ओनरशिप है आपके यहाँ पर प्रॉपर्टी जो भी है जिसमें मकान बनाना है, तो उसके लिए भी यस नो लिख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर बगल में सब्सिडी कैटेगरी आ जाएगी आपकी खुद ब खुद लिखी हुई, तो जैसे आ रही है EWS या LIG खुद ही लिखी आ रही है दोस्तों। देखिए उसके नीचे आपका सब्सिडी अमाउंट आ जाएगा कि कितना अमाउंट है। अब ऐसे ही मैंने यहाँ पर थोड़ा ये एनुअल इनकम मैंने बढ़ाई तो 9,05,000 ऐसा कर दिए मैंने, और बाकी चीज़ें वही रखी मैंने। तो देखिए यहाँ पर सब्सिडी जो यहाँ पर फर्स्ट पक्का हाउस के नीचे ये आपका, फिर यहाँ पर कितना कारपेट है वो पूछेगा आपका, स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया कितना है, तो वो आपको भी डालना है। जैसे मान लीजिए आपका 100 स्क्वायर मीटर है आपका जिसपे आपने मकान बनाना है, तो आप देखिए यहाँ ऊपर देखिए सब्सिडी कैटेगरी आपके MIG 1 कर देगा ये, क्योंकि आपकी कैटेगरी वही जा रही है, मिडिल इनकम ग्रुप 1 में चले जा रहे हो आप, और सब्सिडी अमाउंट आपका 2 लाख यहाँ पर ये आ जाएगा 9,319, तो इतनी सब्सिडी आपको मिलेगी मतलब टोटल इस पर। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं अपनी सब्सिडी को दोस्त। तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जब म्यूनसिपल ऑफिस वाले आपके वहाँ सर्वे करेंगे, तो उसके बाद आपका फॉर्म आगे बढ़ा दिया जाएगा, जिसके बाद आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा और आपको लोन में सब्सिडी मिल जाएगी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों हमें दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत